नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, अगर कुछ एक चीज़ों हम जो बता रहे हैं आपको, इनका सेवन आप अपनी लाइफ में करते हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से वैसे ही बच जाएंगे, खास करके आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जी हाँ, बिजी शेड्यूल और सही खान पान न होने से शरीर कमज़ोर हो जाता है। अगर खुद को हेल्दी मैन बनाना चाहते हैं तो हम आपको आज ये चीज़ें जो बता रहे हैं इनको खाना शुरू कर दीजिए, फिर आप देखिएगा आप में ताकत का भंडार होगा। नंबर वन, बराबर मात्रा में सफ़ेद प्याज का रस, शहद, अदरक का रस और घी का मिश्रण तैयार कर लें। इसे 21 दिनों तक लगातार खाने से गजब की पौरुष शक्ति मिलती है। दूसरा उपाय है, रात को सोने से पहले लहसुन की 2 कलियां खा लें, फिर थोड़ा सा पानी पिएं, फिर देखिए कैसी ताकत आपको महसूस होती है। तीसरा, आंवले के चूर्ण में मिश्री पीसकर मिला लें। सोने से पहले 1 चम्मच इस पाउडर का सेवन करें, इसके बाद थोड़ा सा पानी पिएं। जैसी ताकत आप चाहते हैं आपको वैसी ताकत मिलेगी। नंबर 4, केवल पुरुष की शक्ति को बढ़ाने वाला फल है। अगर रोजाना 1 गिलास दूध के साथ 1 केला खाएंगे तो खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं पाएंगे। नंबर 5, छुई मुई के बीजों का 4 से 5 ग्राम पाउडर 1 गिलास दूध में मिलाकर सोने से पहले पिएं, खुद को किसी हीरो से कम नहीं आंकेंगे आप। नंबर 6, 2 चम्मच मेथी दाने के जूस में 1/2 चम्मच शहद मिलाकर रोजाना रात को खाने से शरीर की पोटेंसी बढ़ती है। नंबर 7, पोटेंसी बढ़ाने के लिए कच्ची भिंडी चबाकर खाइए, फिर देखिएगा क्या असर होता है। नंबर 8, पिज्ज़ा बर्गर जैसे जंक फूड भी शारीरिक कमजोरी के कारण हो सकते हैं। वहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में घी, दूध, मेवे, मिठाई खाना भी आयुर्वेद की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। इससे शरीर की ताकत क्षीण हो सकती है, इसीलिए इनका सेवन न करें। मसालों का भी सेवन न करें, अत्यधिक मसालों का सेवन न करें। नंबर 9, शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए तिल का तेल किसी रामबाण से कम नहीं है। 1/2 कप तिल के तेल में इतनी ही मात्रा में लौकी का जूस भी मिला लें। सोने से पहले इस तेल के मिश्रण से सिर और शरीर पर मालिश करें, इससे आपको ज़बरदस्त ताकत मिलेगी। नंबर 10, स्प्राउट्स खाने से खून बढ़ता है, इसके नियमित सेवन से शारीरिक ताकत मिलती है। नंबर 11, जौ को पानी में भिंगोकर कूट के छिलका रहित कर दूध में खीर जैसा पकाकर खाने से शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। नंबर 12, दालचीनी के 2 ग्राम चूर्ण को 250 मिलीलीटर दूध में डालकर 1 चम्मच शहद के साथ पीने से शरीर की ताकत के साथ साथ धातु में भी वृद्धि होती है। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए कुछ एक ऐसी औषधियों से जुड़ी हुई जानकारियां लेकर के आए थे जिसके सहारे आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अगली कड़ी में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।